ओवर द वीकेंड, जहां पर वो अवेयरनेस फैला रहे हैं और रक्षा मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कई कैंटोनमेंट एरिया में देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करने की कैंपेन भी देखिए शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट कहती है कि 80,000 करोड़ रुपए का जो प्लास्टिक का कारोबार है उसमें से 25% कारोबार जो है वो अब पेपर सेक्टर 2025 तक हासिल कर लेगा और कई कंपनियों ने देखिए प्रोडक्शन बूस्ट करने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये वो सेक्टर है जो भागेगा इन तमाम खबरों के चलते। कुछ मैनेजमेंट्स ने भी देखिए सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि वो पेपर की जो कैपेसिटी है वो ऐड कर रहे हैं। तो स्टार पेपर, मालू पेपर जैसी कंपनियां, पद्मची पेपर जैसी कंपनियां, शीशाशाही पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा हमने टीएनपीएल को दिया है। पेपर ही नहीं, जूट कंपनियों को भी फायदा होगा सिंगल यूज प्लास्टिक की मुहिम का। 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया जाए और दुनिया भर की कई देशों ने इस तरह का एक संकल्प लिया है। तो हमें लगता है कि जूट सेक्टर पर भी नजर होनी चाहिए और ग्लास कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए, इसलिए बोरोसिल ग्लास को टीम में शामिल किया है। अच्छा प्रदर्शन टिन प्लेट जैसी कंपनियां भी दिखा सकती हैं आज के सत्र में, क्योंकि टिन भी एक विकल्प है सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट। तो आज स्वच्छ टीम हमने नीरज बनाई है। बिल्कुल, स्वच्छ और कमाई वाली टीम होनी ही चाहिए और इसीलिए सारे फोकस खरीदारी पे किया गया है। केएनआर कंस्ट्रक्शन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके लिए वजह से खरीदारी कर सकते हैं। एनबीसीसी को 621 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दो जूट कंपनियों में हमने शामिल किए शेवियट और लुडलो, और इन दोनों की खरीदारी करिए क्योंकि पेपर की पूरी स्टोरी, पेपर की पूरी थीम चल रही है। तो चार स्टॉक्स पेपर के मेरी टीम में भी हैं, वो तमाकी पीपीएल, इमामी पेपर, रुचिरा पेपर और ओरियन पेपर, इन सब में खरीदारी की जा सकती है। और साथ ही इन्फो एज भी हमने डिपेंडेबल तौर पर रखा है क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है। दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि जोमैटो अगले साल तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा और पिछले 6 महीने में इनका रेवेन्यू 6 गुना बढ़ा है, 1450 करोड़ हो गया है। तो इन्फो एज को इसका फायदा मिलेगा, तेजी बन सकती है, खरीदारी करनी चाहिए।